इतना बढ़िया, जितना भी हम लोग चाह लें टीचर्स नहीं देने से हम लोग बहुत अच्छा ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अभी नेक्स्ट आप लोग का प्रयास से हम लोग अभी इसके लिए भी मांग करेंगे, जैसे बिल्डिंग के लिए किए, आईसीटी लैब के लिए भी टीचर हम लोग को दीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल आप लोग भी अगर सहयोग करेंगे तो डीसी सर से, डीओ सर से, डीएससी से, डीएससी सर से हम लोग मिलेंगे कि सर हम लोग को टीचर दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग आवेदन लिखेंगे। एक बात हुई, एक बात और हम बताना चाहेंगे कि देखिए उन्हीं बच्चों पर ज्यादा फोकस होता है और अच्छे पढ़ते हैं जिनके गार्जियन मीटिंग में आते हैं। आज आप अपना अपने बच्चे के बारे में बता रहे थे ना रिपोर्ट कार्ड कि मेरा बच्चा किस विषय में तेज है, किस विषय में कमजोर है। टीचर और गार्जियन के बीच जब बात होती है ना तभी पता चलता है कि बच्चे की कमजोरी क्या है, इसको दूर कैसे किया जाए। गार्जियन कभी आएंगे ही नहीं तो कैसे बताएंगे। हम लोग 5 घंटे का रिपोर्ट कार्ड दे देंगे लेकिन बाकी जो घंटा है उसका रिपोर्ट कार्ड तो नहीं दे पाते। जैसे कल ये बोलेंगे हम लोग वहां बच्चे लोग सम्मान में गए थे, उनके पिताजी गए थे, टीचर नहीं गए थे, फिर भी किसी तरह काम वहां चला, तो गार्जियन को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आज हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ से कि और दूसरा चीज क्या, अरुणा स्कूल एक ऐसा स्कूल जिसका पोषक क्षेत्र 13-14 गाँव में फैला हुआ है। बहुत सारा स्कूल का 2 गाँव 1 गाँव का बच्चा जाता है, हमारे यहाँ स्कूल में 13-14-15-16 गांव से आते हैं। ये देखिए चंपत से आए हैं, दामादिरी से आए हैं, छोटा अरुणा से आए हैं, अरुणा से आए हैं, कितना हमारा सरेंगा डोरो कितना बड़ा हमारा एरिया है, हर जगह हम लोग को फोकस करना पड़ता है। दो चार बात है, आप लोग बच्चे को अगर नहीं पढ़ा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 घंटा जब पढ़ाई कर रहा बीच में जाके जरूर देखिए क्या पढ़ रहा। 2 काम जरूर कराइए, डेली हैंड राइटिंग लिखवाइए, हम लोग यहाँ चेक करते हैं। हम लोग देखिए हैंडराइटिंग में साइन खाली कर देते हैं, पूरा चेक करना हम लोग के पास की बात नहीं कि बच्चा क्या लिखा, हम लोग ये जानना खाली कि बच्चा के लिए एक पन्ना लिखाना है। तो डेली हैंडराइटिंग लिखवाइए, इंग्लिश में एक पन्ना, हिंदी में एक पन्ना, इसको एकदम कंटिन्यू करवाइए। दूसरा चीज लाउड रीडिंग, बच्चे को घर में रीडिंग लगवाइए। हम लोग यहाँ बोलते हैं कोई पार्ट को ले लिया हिंदी का इंग्लिश का, उसको जोर जोर से पढ़ रहा, कोई जरूरी नहीं कि सही पढ़ रहा, गलत पढ़ रहा पढ़ने दीजिए, गलत करते करते सही होगा लेकिन आदत उसका लगेगा, जो गलती कर रहा है उसको सुधारेंगे। तो डेली बच्चा घर में जोर जोर से किताब पढ़ रहा है, डेली हैंडराइटिंग लिख रहा है, और क्या पढ़ रहा है उसको थोड़ा हम लोग जाके जरूर देखें। आज का समय मोबाइल का समय आ गया है, अगल बगल से मोबाइल जुगाड़ करके वो भटक सकता है, तो उस पर भी हम लोग को नजर रखना है। डेली उसको स्कूल भेजिए, देखिए जो बच्चा डेली स्कूल आता है उसका परफॉर्मेंस जो नहीं आता उससे अच्छा रहा, जो डेली आता है जितना भी अभी बताए डेली आने वाले बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, जो बताए जो नहीं आता है ना गार्जियन मीटिंग में आता है और ना बच्चा स्कूल आता है और उसका गार्जियन आगे कभी अगर बोले कि हमारा बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, मास्टर जी क्या कर रहे हैं, अरे भाई आपको कोई मीटिंग नहीं आते, आप कभी बच्चे को स्कूल डेली नहीं भेजते हैं और फिर हम रिपोर्ट कार्ड कैसे आपका दें अच्छा। इसलिए लर्निंग गैप को कम करने के लिए आपका और हम लोग का दोनों का सहयोग होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चा पढ़ेगा। फिर भी अरुणा स्कूल का बच्चा जहां भी जाता है आप कहीं से भी पूछ लीजिए, हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम लोग बहुत अच्छे कर लिए, लेकिन हम लोग का स्कूल का बच्चा बहुत सारे स्कूल के बच्चों से अच्छा करता है, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग डेली प्रार्थना सभा में पूछिए का बच्चा, नहीं तो कभी आके देखिए जनरल नॉलेज, आज भी जनरल नॉलेज हमने डेली प्रार्थना में 10-12-15 जनरल नॉलेज करवाते हैं, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की बच्चा का जनरल नॉलेज इंप्रूव हो, जो उसका रीडिंग करवाते हैं, उसका राइटिंग हम लोग चेक करते हैं, और इस तरह से हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे अच्छा हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ पिछले 2 साल में, फिर से रिपीट करेंगे, 7 टीचर लगवाए।